पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना करने के बाद 10वें दिन दशहरा पर सुहागिनों ने सिंदूर वरण की परंपरा निभाई। दुर्गा पंडालों में स्थापित माता की प्रतिमा के चरणों पर सिंदूर लगाया और माता से अपने परिवार के सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना की। इसके बाद एक दूजे के गालों पर सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती होने की शुभकामनाएं दी। आमदीनगर हुडको स्थित कालीबाड़ी परिसर में बुधवार को पूजा अर्चना कर महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला उत्सव मनाया गया। बंगाली संस्कृति के अनुरूप माता को सिंदूर लगाकर महिलाएं एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाती है। नृत्य करके माता को नम आंखों से विदाई यहां पर दी गई। जिस तरह बेटी को ससुराल विदा करते समय उसकी मांग में सिंदूर लगाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वैसे ही 9 दिनों तक माता को अपने घर समाज में पूजा स्वागत करके सिंदूर लगाकर महिलाओं ने विदा किया। हुडको आमदीनगर कालीबाड़ी में भी नवरात्र पर षष्ठी से विराजी मां काली की पूजा आराधना प्रतिदिन यहां पर की गई। पूरे 5 दिनों तक मां की श्रद्धा में लीन श्रद्धालु यहां पर रहे। वहीं नवमी पर संध्या आरती के साथ श्रद्धालु शामिल रहे, साथ ही रंगारंग प्रस्तुति भी यहां पर म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा दी गई। आइए देखते हैं इसकी खास झलकियां। नवरात्रि का नवमी है और आप माता के दरबार में आए हैं, क्या कामना करें? माता के दरबार में आके हमने नवमी में इस 2 साल के बाद जो हम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से हम जो उनका आह्वान कर रहे हैं, उनका जो हम एक आदर सत्कार के साथ उनका जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये निरंतर अब जारी रहे। और माता से ये हम प्रार्थना करते हैं कि माता अब वो कोरोना नाम के राक्षस से हमें छुटकारा दिलाए हमेशा के लिए, और ताकि हम हमेशा के लिए उनके उनके आह्वान का हम हमेशा स्वागत करें और हर साल इसी तरीके से उत्साह के साथ हम उनका स्वागत करें। सर, आप अभी हुडको की काली मंदिर में के मंदिर में आए हैं। ये मंदिर में बीते दिनों विवाद की स्थिति थी, आस पड़ोस के लोग मंदिर को लेकर, इसके निर्माण को लेकर एक निशाना बनाए हुए हैं और अब समाज में काफ़ी आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही गलत, किसी ने जिसने भी किया ये बहुत गलत किया है, क्योंकि ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक और ये एक निंदनीय काम किया है जिन्होंने भी किया है, क्योंकि ये एक माँ काली का मंदिर किसी के घर का काम नहीं है, घर का पूजा नहीं है, ये सार्वजनिक है, पूरे बंगो महोत्सव का मतलब बंगाली समाज का एक ठोक ये क्या बोले धरोहर है। ये हमारी माता का मंदिर जो माँ काली का मंदिर है, ये कई सालों से स्थापित है। कुछ लोगों ने इसको अपने युगों में लेकर कुछ चीज़ों को लेकर, विषयों को लेकर इन्होंने अपने युगों में लेकर इसका कदम उठाया है और बहुत निंदनीय है ये। मैं इसका बहुत पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कालीबाड़ी हमेशा के लिए यहाँ पर स्थित रहे जहाँ पर है।
कि पंडित जी आज दशमी है, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। जी नमस्ते, हम लोग हुडको काली मंदिर से बोल रहा हूँ। यहाँ का पुजारी आज विजयादशमी है, सबको विजयादशमी का शुभेच्छा प्रीति अभिनंदन। हम लोग जो इतना दिन से उत्सव मनाया था, आज हम लोग बहुत दुख के साथ माँ को विदाई कर रहा है। और आज दशमी है, हम लोग अभी विसर्जन पर्व चालू किया है, विसर्जन होंगे उसके बाद हम लोग वरण करेंगे। और सिंदूर उत्सव सब महिलाओं ने अपने अपने परिवार को, सबको आयु बढ़ाने के लिए, माता जी को आशीर्वाद लेने के लिए सब माता जी को सिंदूर और वरण करेंगे। आज ऐसे विसर्जन है, माता से क्या कामना करते हैं? माता से हम लोग यही कामना करते हैं कि हम लोग जो जितना अशुभ शक्ति होता है वो शक्ति को सामना कर पाए, पराजित कर पाए, वही कामना करके हम लोग अपराजिता लौता जो होता है वो धागा के साथ हम लोग अपना हाथ में बांधते हैं रक्षाबंधन के। नमस्ते। वहीं अगली सुबह दशमी पर विशेष पूजा अर्चना व विसर्जन प्रक्रिया पूरी की गई। साथ ही यहां पर महिलाओं ने मां को सिंदूर खेलकर विदा किया। इस दौरान धुनुजी नृत्य करते हुए सिंदूर खेला में महिलाएं शामिल रही। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी कालीबाड़ी हुडको में रविंद्र निकेतन द्वारा भव्यता से मां काली का पर्व दुर्गोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ विभिन्न आयोजनों के बीच मनाया गया। सभी ने सुख समृद्धि की कामना यहां पर मां से की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।